Hey guys, welcome to the Manu Education. So today in this particular video, we'll talk about the CAP round 2022 with respect to the Maharashtra MCA CET. सारे aspirants guys, ये इस video को जरूर end तक देखना क्योंकि yes, freeze करे या betterment, इसमें काफी confusion हो रहा है. काफी सारे students ने मुझे screenshot भी भेजे थे कि सर हमें सिर्फ freeze का option show कर रहा है, betterment show कर ही नहीं रहा है. लेकिन अब ये update हो चुका है और इसीलिए मैंने कहा था कि time ले लो guys, एक evening तक का time ले लो और evening तक सब कुछ clear हो चुका था. अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको freeze करना है या betterment. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल गो फॉर द बेटरमेंट ऑप्शन और वो क्यों, क्योंकि गाइस टाइम बहुत कम है. 27 टू 29 के बीच आपको रिपोर्ट भी करना है. फ्रीज या बेटरमेंट करने को तो टाइम नहीं लगेगा, विद इन वन मिनट यू कैन डू दिस. ठीक है, सब कुछ चेक कर सकते हो, लेकिन रिपोर्टिंग करना है. अब OMS कैंडिडेट इफ वो आना चाहता है एंड ही बिलोंग्स टू दिल्ली और उसे आना है मुंबई, देन वो सोचेगा कि मैं जाऊं और एडमिशन कैसे लूं, फ्रीज कर लूं या फिर बेटरमेंट के लिए जाऊं. गाइस देखो, फ्रीज करोगे तो अभी के अभी निकलना पड़ेगा और एडमिशन लेना पड़ेगा. ठीक है, और सारे डॉक्यूमेंट्स भी प्रॉपर रखने पड़ेंगे. ओके, एडमिशन कैंसिल नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर बेटरमेंट करते हो सो सेकेंड राउंड में आप वापस अपनी टॉप कॉलेज के लिए टारगेट कर सकते हो. सो इसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है. वो कैन पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड. सेकेंड राउंड में एग्जैक्टली कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद या फिर बेटरमेंट चूज करके हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और इफ वी चूज बेटरमेंट ऑप्शन, देन क्या जो सीट अलॉट हुई थी फर्स्ट राउंड में वो कंसिडर की जाएगी, यस और नो, लेट्स फाइंड आउट. बिफोर मूविंग फर्दर गाइस, वी हैव लॉन्च्ड द बैचेस फॉर ऑल द एमसीए एंट्रेंस एग्जाम, सो यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन विद अस फॉर महाराष्ट्र एमसीए सीटी एंड ऑल्सो फॉर द निमसेट. सो यू विल गेट ऑल दीज फीचर्स, द मेंटरशिप कंप्लीट, मोटिवेशन, थरली कॉग्निटिव इफेक्ट्स एंड कंप्लीट गाइडेंस अबाउट द कैप राउंड प्रोसेस. सो गाइस, कैप राउंड को लेकर बहुत सारी वीडियोज आने वाली है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड या यू कैन ज्वाइन अवर क्लासरूम सेशंस एट मुंबई एंड यू कैन ऑल्सो इंटरेक्ट लाइव विद अस. सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, कहीं नहीं आना है, बस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओ और यहाँ देखो कट ऑफ लिस्ट दी गई है, दैट मीन्स अलॉटमेंट कैसे हुआ है. ठीक है, कट ऑफ लिस्ट फॉर महाराष्ट्र एंड माइनॉरिटी सीट्स एंड ऑल्सो फॉर द कट ऑफ लिस्ट फॉर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स, कौन से कैंडिडेट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं और कितने सारे कैंडिडेट्स यहाँ एडमिशन लेने वाले. ऑल्दो ये कट ऑफ लिस्ट बाद में भी रिलीज हो सकती थी क्योंकि अभी काफी सारे कैंडिडेट फ्रीज ऑप्शन को लेकर जाएंगे. ठीक है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि हाँ, बेटरमेंट करूंगा तो मेरे चांसेस है या नहीं. सो आप कट ऑफ लिस्ट देख सकते हो. सो अभी बात करेंगे फ्रीज ऑफ बेटरमेंट को लेकर. सो रजिस्टर कैंडिडेट पे क्लिक कर लो, देन आफ्टर एंटर योर एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा एंटर कर दो, लॉग इन कर दो. और लॉग इन करने के बाद अगर आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर दिए, फ्रीज, फ्लोट, जो भी, तो कुछ ऐसा दिखेगा. लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेलेक्ट कैसे करना है. ओके, आपने सीट एक्सेप्टेंस कंफर्म कर लिया है फॉर राउंड वन एज नॉट फ्रीज. यहाँ एक कैंडिडेट है जिन्होंने बेटरमेंट सेलेक्ट किया, और बेटरमेंट क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि इनका जो प्रेफरेंस था सेकंड नंबर. ओके, इनको अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस मिला, दैट मींस सेकंड मिला, क्योंकि ये ओएमएस कैंडिडेट है और बीइंग ओएमएस कैंडिडेट इन्होंने जो प्रेफरेंस दिए, ठीक है, फर्स्ट दिया इन्होंने एसपीपीयू, सेकंड दिया एसपीआईटी. लेकिन जाना किसके लिए चाहते हैं, जाना चाहते हैं एसपीपीयू के लिए. सो क्या कर सकते हैं, ऐसे में बेटरमेंट चूज करना है और एसपीपीयू के लिए सेकंड राउंड में वापस ट्राई करना है. लेकिन उसके लिए 1000 रुपीज पे भी करने होंगे. हमें 1000 रुपीज पे क्यों करने हैं गाइस, जब आप 1000 रुपीज पे करते हो दैट मीन्स आपके राउंड वन में जो भी आपको सीट अलॉट हुई है, दैट इज एसपीआईटी. ओके, या फिर आप विजिट पकड़ लो, कोई भी कॉलेज यार चूज कर सकते हो. ठीक है, एसपीआईटी आपको मिली है और आप चाहते हो कि मुझे एसपीपीयू में जाना है और एसपीपीयू बाई चांस सेकेंड राउंड में आपको नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, एसपीआईटी ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा आपके राउंड. क्यों, क्योंकि आपने 1000 रुपीज पे किया और बेटरमेंट भी चूज किया है. लेकिन वही आप फ्रीज करते हो, दैट मीन्स एसपीआईटी विजिट करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और एडमिशन ले लेना है विद इन 27 to 29th of October. काफी कम टाइम दिया है गाइस. लेकिन वही मैं कहूँ, अगर ये काफी दूर रहते हैं और सोच रहे कि यार एसपीआईटी में ले लूँ, मिल गया, तो आओ अभी के अभी निकलो, सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ. लेकिन प्रोसेस क्या है, बात करेंगे गाइस इन डिटेल. लेकिन जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ आपकी कंप्लीट लिस्ट दिखेगी, आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, सीटी डिटेल्स, ये सब कुछ फिलअप किए थे. ठीक है, राइट, आपने एफसी सेंटर विजिट किया था, सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, तभी तो आपको अलॉटमेंट मिला है, राइट. और यहाँ मिला है आपको कैप सीट. ऑल दोस कैंडिडेट जिन्होंने विद इन टाइम एफसी में वेरिफिकेशन नहीं किया था, उनको मिली है नॉन कैप सीट्स. ओके, नाउ आगे बात करते हैं कि कैसे दिखने वाला है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आप लॉग इन करोगे, सी कैंडिडेट सेल्फ ARC स्टेप्स, ये कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैंडिडेट सेल्फ ARC फॉर डेटा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको खुद को वेरिफिकेशन करना है. ठीक है, एफसी पे जाके आपने तो वेरिफिकेशन किया ही था, राइट, वो बात हो गई, अलॉटमेंट आपको मिल चुका है, सेकेंड वो भी हो गई. ठीक है, थर्ड अब आपको जो सीट मिली है उसका क्या करना है, आइदर फ्रीज करना है या बेटरमेंट करना है.
ठीक है, लेकिन उसके पहले भी आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है, तो सेल्फ करना है। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करोगे सो आपको एक कंप्लीट लिस्ट दिखेगी, आपके स्कोर क्या है, आपने एसएससी में मैथ्स में कितना स्कोर किया है, इंग्लिश में कितना किया, सब कुछ आपको देखना है। सब चीज करेक्ट है, देन इट्स ओके। आप व्यू पे क्लिक करो और देखते जाओ, सब कुछ सही है, देन इट्स ओके, करेक्टेड करेक्टेड ऑप्शन लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको करना है कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस, दैट मींस फ्रीज और फ्लोट। आप फ्रीज पे क्लिक करोगे या फिर बेटरमेंट पे करोगे, और मैं कहूंगा गाइज बेटरमेंट के लिए जाओ, ये अच्छा ऑप्शन है। सीट एक्सेप्टेंस पेमेंट 1000 रुपीज, 1000 रुपीज पे करना है। ठीक है, फ्रीज करोगे या बेटरमेंट करोगे, राइट। आप कहाँ जाओगे, कैप वन अलॉटमेंट प्रिंट, जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये प्रिंट ले लेनी है, कैप राउंड सीट एक्सेप्टेंस प्रिंट, ये एक प्रिंट ले लेनी है। लेकिन सीट मिली कौन सी है, वो कैसे पता चलेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो हम सेल्फ एआरसी पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ मुझे शो कर रहा है एसएससी मैथ्स मार्क, साइंस, इंग्लिश, एग्रीगेट मार्क्स कितने, एचएससी में कितने हैं, जेंडर, होम यूनिवर्सिटी है या फिर अदर देन होम यूनिवर्सिटी है, जो भी है वो मुझे चेक करना है। सब कुछ करेक्ट है, ओके, टू बी करेक्टेड, टू बी करेक्टेड, स्टेटस बता रहा है करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ओके। अभी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड वेरीफाई बाय द कैंडिडेट, आपको वेरीफाई करना है। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन 10th एंड एसएससी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, अपलोड स्टेटस, ओके। डॉक्यूमेंट्स व्यू देख सकता हूं मैं, ओके, वेरीफाइड वेरीफाइड वेरीफाइड, अगर नॉट वेरीफाइड होगा तो यहाँ शो करेगा आपको कि आपने वेरीफाई अभी तक नहीं किया है। सो ये सब कुछ मैंने वेरीफाई कर लिया है। नेक्स्ट प्रोसेस आता है कि अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस, फ्रीज और नॉन फ्रीज। अब इनके ऑप्शंस क्या है गाइस, जो भी आपको राउंड वन में सीट अलॉट होती है, ठीक है, आपको लॉग इन करके यहाँ चेक करना होता है, इंस्टीट्यूट अलॉटेड। अब मैंने यहाँ क्या है, प्रेफरेंस नंबर 2, यहाँ मुझे प्रेफरेंस नंबर 2 अलॉट हुआ है। सपोज मैंने प्रेफरेंस थे एसपीपीयू, एसपीआईटी एंड विजिट, ये तीन मैंने प्रेफरेंस दिए थे, ठीक है। अब इन तीनों में से मुझे अलॉट हुआ है सेकेंड वन, एसपीआईटी। चलो एसपीआईटी मैं बता रहा हूँ इस आपको, ओके, एसपीआईटी मुझे यहाँ अलॉट हो चुका है। चॉइस कोड बता दिया, सीट टाइप कौन सी मिली है, जनरल ओपन सीट मिली है मुझे, चलो ओके, कोई बात नहीं। अब आगे करना क्या है, ठीक है, सो स्टेटस क्या बताता है, अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस, फ्रीज और नॉन फ्रीज, क्या करोगे। सीट एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन डिटेल्स बता रही है, नॉट कंफर्म, मतलब अभी तक मैंने चूज नहीं किया, तो चलो चूज कर लेते। फ्रीज कब करूंगा, अब मुझे एसपीआईटी चाहिए, मुझे लगता है कि एसपीपीओ में मेरा एडमिशन नहीं होगा, और चलो एसपीआईटी ठीक है, यही एडमिशन ले लेते। तो आप करोगे फ्रीज, और फ्रीज के बाद 1000 रुपीज पे करोगे और रिपोर्ट करोगे एसपीआईटी के लिए। यहाँ जाओगे, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो जाएंगे, एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, एडमिशन हो गया, कुछ नहीं करना। लेकिन यही अगर आप बेटरमेंट चूज करते हो, ठीक है, आप बेटरमेंट के लिए जाते हो, दैट मीन्स नॉन फ्रीज। नॉन फ्रीज का मतलब क्या हुआ, आप रुके हुए नहीं हो, आप बहते जा रहे हो, आप चलते जा रहे हो, बेटरमेंट आप अच्छे ऑप्शन के लिए देख रहे हो। सो जैसे कि मैंने बताया एसपीपीयू, एसपीआईटी, विजिट, ये आपने तीन प्रेफरेंस दिए थे। अब आप बेटरमेंट के लिए जा रहे हो, आपको चाहिए एसपीपीयू, ठीक है, लेकिन आपको विजिट नहीं चाहिए, तो सेकेंड राउंड में क्या करोगे पता है, सेकेंड राउंड में आप सिर्फ एसपीपीयू को प्रेफर करोगे फर्स्ट। एसपीआईटी ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा, वो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाएगा और यहाँ नाम लिखा रहेगा एसपीआईटी, ये ऑटो कंसिडर होगा, आप इसको वापस सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन ऑटो कंसिडर होगा। अब विजिट मैंने यहाँ क्यों नहीं लिया है बताऊं, ठीक है, चलो यहाँ बताते हैं, एसपीपीयू आपने ले लिया विजिट, दो प्रेफरेंस, थर्ड वन आपका ऑटोमेटिकली कंसिडर हो जाएगा एसपीआईटी, लेकिन एसपीआईटी तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, अब एसपीआईटी विजिट से अच्छा है, सो एसपीपीयू समझो नहीं मिला तो आपको विजिट अलॉट हो जाएगा, और अगर विजिट अलॉट हो गया तो एसपीआईटी की सीट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपके मार्क्स काफी अच्छे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे अच्छी कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही मिल चुकी है, अगर सेकंड राउंड में इससे अच्छी मिलती है तो ठीक, नहीं तो फर्स्ट राउंड वाली सीट मुझे चाहिए ही चाहिए, तो क्या करना है, बेटरमेंट पे चूज करना है, फिर आपको 1000 रुपीज पे करना है। और जब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा तो क्या करोगे, ऑप्शन कौन से दोगे, सिर्फ एसपीपीयू दोगे ऊपर, क्योंकि मुझे सिर्फ एसपीपीयू चाहिए, अगर एसपीपीयू नहीं मिला कोई बात नहीं, एसपीआईटी तो एडमिशन हमारा कंफर्म है, कंसिडर किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर फ्रीज करने के बाद हमें रिपोर्टिंग करना पड़ता है, राइट, सही बात है, लेकिन बेटरमेंट चूज करने के बाद करना पड़ता है, नॉट एट ऑल गाइस, जरूरत नहीं है। आप बेटरमेंट चूज कर रहे हो तो आपको विजिट करने की जरूरत नहीं है, ओके, लॉ 3 ईयर्स, लॉ 5 ईयर्स, बीएड, सारे स्टूडेंट्स को मैंने यही बताया, आपको भी यही बता रहा हूं कि बेटरमेंट चूज करने के बाद आपको सेंटर विजिट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कॉलेज देखना चाहते हो, विजिट करना चाहते हो, देन इट्स ओके, लेकिन ओएमएस कैंडिडेट इतने दिन में कहाँ से आएगा और विजिट करके कैसे जाएगा, और उसके बाद वापस उसे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, और सेकेंड राउंड में जो सीट मिली उसके लिए वापस एडमिशन लेने के लिए आना है,
ठीक है, आप 1000 रुपीज इसीलिए पे कर रहे हो कि बेटरमेंट में मुझे अगर अच्छी कॉलेज मिल गई देन इट्स ओके, नहीं मिली तो भाई जो राउंड वन में मिली है वो तो कंसिडर होने वाली है। सो आई होप यहाँ आपका फ्रीज एंड बेटरमेंट का डाउट क्लियर हो चुका है। ठीक है, शॉर्टकट में एक बार वापस बताता हूँ, फ्रीज सेलेक्ट करोगे तो आपको एडमिशन लेना ही है, दैट मीन्स राउंड वन यहाँ आपके लिए कंप्लीट स्टेप हो जाती है। अगर बेटरमेंट चूज करते हो तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है। बेटरमेंट चूज करते हो, 1000 रुपीज पे करते हो तो आपका जो कॉलेज है फर्स्ट राउंड का वो कंसिडर किया जाएगा, और अगर बेटरमेंट या फ्रीज दोनों ऑप्शन चूज नहीं करते हो फिर भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन कोई भी सीट कंसिडर नहीं की जाएगी। राउंड वन की जो भी सीट है वो कंसिडर नहीं होने वाली है। ओके, क्लियर है गाइज, ये आपको ध्यान में रखना है। इन केस ऑल दोस कैंडिडेट जिन्होंने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया है रिपोर्ट कर रहे हैं, और रिपोर्ट करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट के मिसमैच की वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, देन डोंट वरी गाइज, यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन दी सेकेंड राउंड। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप कि आपको सेलेक्ट करने के बाद करना क्या है। जैसे कि आपने फ्रीज सेलेक्ट किया या फिर बेटरमेंट किया, सबसे पहले मैं बोलूंगा बेटरमेंट के लिए जाओ। जैसे ही बेटरमेंट आपने चूज किया आपको एक ओटीपी आने वाला है, यही ओटीपी आपको जो मोबाइल पर रिसीव होने वाला है, एंटर दैट पर्टिकुलर ओटीपी। ओके, एंटर दैट ओटीपी, अपडेट सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस, आपको यहाँ अपडेट पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करोगे देन एक स्टेटस शो करेगा। ओके, आपका एप्लीकेशन आईडी, आपका नाम, पेमेंट स्टेटस जो कि बता रहा है आपने पे नहीं किया है, तो 1000 रुपीज यहाँ पे करना है। जैसे ही पे पे क्लिक करोगे आपने 1000 रुपीज पे कर दिया, बस आपकी रिपोर्ट जनरेट हो गई और वो कुछ दिखेगी ऐसे। ठीक है, आपका नाम, कैंडिडेचर टाइप ऑल इंडिया कैंडिडेट, ठीक है, अदर देन होम यूनिवर्सिटी, TFWS के लिए आपने अप्लाई किया था नहीं किया था, अगर आप TFWS के लिए अप्लाई कर रहे हो बीइंग महाराष्ट्र स्टूडेंट, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, TFWS के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो कॉलेज अगर नहीं मिला है, सपोज SPIT में TFWS के लिए अप्लाई किया, SPIT में विदाउट TFWS अप्लाई किया, ठीक है, और ये नहीं मिली, ये मिली है, फिर भी कोई बात नहीं, आप बेटरमेंट चूज करके वापस TFWS के लिए जा सकते हो। इन केस TFWS नहीं मिला ये तो कंसिडर होने ही वाला है। ओके, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने TFWS के बाद भी उनको वही कॉलेज मिली है लेकिन TFWS की सीट नहीं मिली है, सो आप ट्राई कर सकते हो, डोंट वरी एट ऑल। ओके, सो मुझे चाहिए SPPU लेकिन अलॉट हो गई है SPIT और XYZ कोई भी कॉलेज, देन गाइज चूज बेटरमेंट ऑप्शन। ओके, जैसे ही बेटरमेंट ऑप्शन चूज करोगे यहाँ शो करेगा कि आपने क्या चूज किया है, बेटरमेंट दैट इज नॉट फ्रीज सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस, ये शो कर रहा है, कंफर्मेशन डिटेल्स कंफर्म। ओके, दैट मींस आपने जो ऑप्शन चूज करने थे वो कर दिए। अब कुछ डाउट्स है देन गाइस आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन, और एक चीज का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ऑल दोस कैंडिडेट जिन्होंने फ्रीज ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इफ कैंडिडेट फेल्स टू रिपोर्ट फॉर द एक्सेप्टेंस ऑफ द अलॉटेड सीट एट एडमिशन रिपोर्टिंग सेंटर इन शेड्यूल टाइम, इट विल बी ट्रीटेड एज इफ कैंडिडेट हैज रिजेक्टेड द अलॉटेड सीट। आपको जो सीट मिली है, इफ मुझे फ्रीज चूज करना है, मुझे SPIT मिली है, ओके, और मुझे फ्रीज चूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ विजिट करना है, और अगर मैं विजिट नहीं कर रहा हूं तो ये मेरी सीट कैंसिल हो जाएगी। ओके, सो ध्यान रखना है, बेटरमेंट चूज कर रहे हो देन विजिट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फ्रीज चूज कर रहे हो देन आपको विजिट करना पड़ेगा, ओके, और एडमिशन लेना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल गाइस, any doubts and queries in your mind then ask me in the below comment section, and yeah, if you like the video hit the like button and do share to all of your friends, and if you want preparation then join our batches for all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and you can also join our Telegram group. That's all from my side guys, all the best for your career, see you in the next video.